प्यारे बच्चों नमस्कार, ठीक हो? और सुनाइए क्या हालचाल है आज? एक आपने कहा जी हालचाल तो पूछे नहीं, आपने टॉपिक शुरू कर दिया। आपने कहा तो हमारे स्टाइल में पहले आज ध्यान से सुनिए। आज का बड़ा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स। बड़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर और बात करने का समय नहीं है प्यारे बच्चों जी। टॉपिक का नाम है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, ऑलमोस्ट लगभग हर साल आता है। इस साल आएगा नहीं आएगा ये हमें पता नहीं, पर यह है कि अगर हम पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स है। दूसरा, हम क्यों करते हैं, किसने दी है, वन बाय वन हम इसे खोलेंगे। आपने कहा सर हमें एक वर्ड पहले तंग करना है, वो है फिंगर प्रिंटिंग। आज दिखना नहीं आपको, समझना है मेरे। आपने कहा फिंगर प्रिंट्स तो ये होते हैं सर, हमने हाँ ये होते हैं हमारे और आपके जो फिंगर प्रिंट्स हैं, जो फिंगर पे होते हैं, थंब पे होते हैं, इन प्रिंट्स को ही फिंगर प्रिंट्स कहते हैं। फिर आपने कहा आगे डीएनए को लगाया। हमने कह रहे बच्चों जैसे हम सबके डीएनए फिंगर यानी सॉरी पहले सेकंड देख रहे हैं रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, चल तो रही है भाई, देखो तो बीच में कैमरा गड़बड़ कर रहा है। आजकल जिस तरीके से हमारे फिंगर के प्रिंट्स अलग अलग हैं, उसी तरीके से हमारे डीएनए भी अलग अलग हैं। ये दो इंडिविजुअल हैं, ये कोई दो ह्यूमन है, तो इनका डीएनए डिफरेंट है एक दूसरे से, एक दूसरे से डीएनए डिफरेंट है इनका। यानी दुनिया में जैसे हम सबका, बहुत ध्यान से सुनना, लिखना कुछ नहीं है, सारा समझने वाला है, ये याद रखिए, ये टॉपिक समझने वाला है। इसमें जरा से आपका पलक झपकना मतलब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हमारी कोशिश है हम आपको बिल्कुल छोटे लेवल पर, नीचे के लेवल पर जाकर समझाने की कोशिश करें, जिससे आपके यहाँ दिमाग में सेट हो जाए और एग्जाम में आप जो पूछा जाए वो लिख दें। लेकिन उतना ही ध्यान आपको देना पड़ेगा, ये नहीं कि हम परोसे जा रहे हैं और आप खाना ही नहीं खा रहे, तो आप इसे समझने का प्रयास करिए। जिस तरीके से हमारे सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, ऐसे ही हम दुनिया में हर इंसान के डीएनए एक दूसरे से अलग अलग है। इसलिए आपने कभी देखा होगा या कभी देखेंगे, फॉर्म भरेंगे आप, कुछ बच्चों ने शायद भर लिया हो पहले नीट का, कुछ हो सकता है ड्रॉपर भी देख रहे हो इस वीडियो को, हो सकता है फ्रेशर देख रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब फॉर्म भरते हैं तो आपके सिग्नेचर के साथ प्रिंट्स भी लेते हैं। या पापा ही से पूछे जो मकान परचेज करते हैं, सेल की बात ही नहीं करते, परचेज की बात कर रहे हैं, परचेज करना चाहिए सेल नहीं करना चाहिए। तो जब वो परचेज करते हैं तो आप पापा से पूछना कि पापा जी क्या ये थंब लगवाए थे? और उन्होंने कहा जी, पापा ने कहा थंब के इंप्रेशन भी लगवाए थे भाई, और ये पूरी फिंगर भी लगवाई थी। क्यों? क्योंकि जब आपने कहा तो पढ़े लिखे हैं ऐसा, हम तो सर डिग्री लिए बैठे, हम तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम इंजीनियर बनने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं सरकार कह रही है फॉर्म पर आप फिर यानी थंब प्रिंट्स दीजिए, फिंगर प्रिंट्स दीजिए। हमने कहा भाई आप पढ़े लिखे, आप सिग्नेचर करते हैं, लेकिन ये सिग्नेचर कॉपी हो सकते हैं। दुनिया में ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं जो किसी के भी सिग्नेचर को कॉपी कर सकते हैं, आपके सर के नहीं हो सकते, आपके मालूम है। जो बच्चा रेगुलर क्लास में आया है, ऑफलाइन क्लास में आया, फिजिकल क्लास में आया, उसे पता है सर के साइन कितने बढ़ गए। लेकिन फिर भी कोई कलाकार है जो सिग्नेचर को डुप्लीकेट कर देता है, आवाज ही डुप्लीकेट निकाल देते हैं। रोज आप रियलिटी शो में देखते हैं अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल दी, शाहरुख खान जी की निकाल दी, सलमान जी की निकाल दी, विराट कोहली जी की निकाल दी, जिस मर्जी की निकाल देते हैं। तो साइन डुप्लीकेट हो सकते हैं, आपके फिंगरप्रिंट डुप्लीकेट नहीं हो सकते। आपने कहा सर ये तो आप सही कह रहे हो, तो हमने कहा आपकी पहचान आपके फिंगरप्रिंट्स है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, उसका एक नंबर है, वो पूरा एक प्रोफाइल है आपका, आपका नाम है उसमें, फादर्स नेम है उस पर, उसमें आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ है यानी के, उसमें आपका एक फोन नंबर भी होगा, आपका एड्रेस भी होगा, आपके बारे में सारी जानकारी है उस आधार पर, और आपका आधार आपका है क्योंकि उस पर एक नंबर लिखा है। हम बताएंगे नहीं आंसर, आप देखिए कितनी बार जिंदगी में आपका आधार कार्ड आपके हाथों में है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि जो उस पर नंबर, एक यूनिक नंबर है, पूरी दुनिया में आप ही का वो नंबर है, वो कितने डिजिट वाला है? मान लो ये किसी जीके में आ जाए तो
और आपको ये अपने आधार का नंबर हर वक्त याद रहना चाहिए, जैसे आपने फोन नंबर याद किया हो, जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ याद करी हो, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये आपकी पहचान है। तो ये नंबर अगर आपका है तो अगर कंप्यूटर में डालेंगे हम आधार की साइट पर जाकर तो आपकी प्रोफाइल खुलेगी, इसलिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं। तो आप ही की उसमें डिटेल आएंगे और किसी की नहीं आएगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ही दुनिया में हर किसी का अपना डीएनए है, जिस तरीके से आधार का एक नंबर सबका अपना अपना है, उसी तरह सबका अपना अपना एक डीएनए है। आप कुछ दिमाग में ऐसे आ, आपने कहा सर इसका तो शायद कोई एक्सेप्शनल केस हो, मान लो किसी का आधार का नंबर ये है 40 42 50 51 65 66, तो सर यही नंबर किसी और को इशू हो सकता है? अपना कभी नहीं हो सकता। जैसे आपका मोबाइल नंबर एक अपना है, दुनिया में एक मोबाइल नंबर किसी एक को ही होता है, ऐसे यहाँ पर ये नंबर भी किसी एक का ही है। यहाँ तो कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, इस ये वाला नंबर दुनिया में किसी एक का होगा, दूसरे का होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है, एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर दो इंडिविजुअल का डीएनए हूबहू सेम होगा। आपने कहा वो किसका सेम होगा? हमने कहा वो होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस का सेम। मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे जो पैदा होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में आप ट्विंस कहते हैं। मोनो कहते हैं एक को और जाइगोटिक कहते हैं जाइगोट को। जो एक जाइगोट से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उन्हें मोनोजाइगोटिक कहते हैं। आपने कैसे सर? हमने कहा वो ऐसे कि एक मेल पार्टनर का स्पर्म और फीमेल पार्टनर का एग, यानी फादर का स्पर्म और मदर का एग जब फ्यूज होते हैं तो आप इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, सिमगैमी बोलते हैं आप। और जो रिजल्टेंट सेल है दिस इज कॉल्ड जायगोट। जायगोट अंडरगो डिवीजन, जायगोट का डिवीजन हुआ और टू सेल्स आर फॉर्म। और जो जायगोट का डिवीजन हुआ आप जानते हैं कि ये क्लीवेज कहलाता है, वो तो आपने माइटोसिस है, और क्लीवेज का मतलब थोड़ा तेज होने वाला माइटोसिस, रैपिड माइटोसिस हुआ। और क्लीवेज हुआ, माइटोटिक सेल डिवीजन हुआ और दो सेल बन गए। आप जानते हैं कि माइटोटिक सेल डिवीजन को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन से नहीं आते, क्योंकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसलिए जो भी सेल माइटोसिस से बनती है उन दोनों में जेनेटिक मेटल आइडेंटिकल होता है, और जिससे वो प्रोड्यूस हुई है पेरेंट सेल उसके भी आइडेंटिकल होता है। तो जब हम और आप पैदा हुए थे, हमारा और आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ था, तो ऐसे ही हुआ था, जायगोट बना था, दो सेल बनी थी, फिर दो से चार बनी थी, फिर धीरे धीरे हजार बनी थी, फिर अनलिमिटेड बनी थी, फिर ऑर्गन्स बने थे, और यानी ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ था, और देखते देखते एक ऑर्गेनिज्म बन गया था। लेकिन इन सर्टन केसेस बहुत रेयर कि दो जो सेल बनी है जायगोट के डिवीजन से, इन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। These are called blastomeres. और ये blastomere अगर इसी initial stage पर अलग हो जाए, separate हो जाए, तो two individuals are formed. दो individuals बन जाते हैं। इन्हें हम identical twins कहते हैं। क्योंकि दोनों का genetic material बिल्कुल हूबहू same है, इसलिए these are called identical twins. इनको आप बोलते हैं monozygotic twins, क्योंकि एक ही zygote से बने। तो इनका तो जेनेटिक मैटर हूबहू सेम है, तो ये एक्सेप्शन केस छोड़ दीजिए, अदरवाइज दुनिया में हर किसी का डीएनए एक दूसरे से अलग है। और जब आप डीएनए की बात करते हैं तो आपने खूब पढ़ा है 6 चैप्टर के अंदर, ये तो मास्टर टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट, इसके अंदर आपने खूब पढ़ा है कि डीएनए के अंदर जो हमारा हम डिप्लोइड है, यानी कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन इज डिप्लोइड, दो जीनों में हमारे अंदर। और हमने पढ़ा हुआ है एक जीनों में 3.3×10^9 बेस पेयर, राइट? इसे भी हटा देते हैं, चलो बहुत राउंड फिंगर में कर लेते हैं, 3×10^9 बेस पेयर है हमारे एक जीनों में, और एक जीनों में 23 क्रोमोसोम्स, यानी 23 क्रोमोसोम्स के एक ग्रुप को एक जीनोम कहते हैं, और इसमें से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये भी दिखा सकते हैं, दिस इज द क्रोमोसोम। आपने कहा सर आप तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझाने जा रहे थे, ये आपने हमें क्या पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो हम सब जानते हैं, हमने कह रहे बच्चों वही ला रहा है ना, तो वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेट है,
और एनसीईआरटी ने उसे और कॉम्प्लिकेट कर दिया। इसे उसे सिंपल तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो आगे डीएनए लिखा पहले डीएनए से रिफ्रेश हो जाएगा कि डीएनए क्या है। तो डीएनए जेनेटिक मटीरियल, ये हमारे बॉडी के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को कोड करता है। ये सारा पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे इस स्टेज तक। फिफ्थ चैप्टर सिक्स चैप्टर ये जेनेटिक्स वगैरह मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये सब पढ़ के आप यहाँ तक पहुँचे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो आप सब जानते हैं डीएनए सभी के अंदर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट सर्टेन वायरसेस इन विच आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड सच वायरसेस आर कॉल्ड रेट्रोवायरसेस। फॉर एग्जाम्पल इंडियन इम्यूनोडेफिशेंसी वायरस, टोबैको मोजैक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, इन्हें छोड़ दें तो बाकी डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑन द ऑर्गेनिज्म। नंबर एक, अब हमारे पास इतने सारे भी स्पेयर है, ठीक है, हम सबका डीएनए एक दूसरे से आ रहा है, पर आप बताएं क्या है, ध्यान सुनना बड़ा ध्यान से क्या है। ये हमारा फोन नंबर है, आपको और नंबर याद नहीं आ रहा ना, भूल गए क्या करें, ये हमारा नंबर, ठीक है, आपका नंबर ये, आपने कहा आपका किसका, हमने तो आपके सर सी का हो गया, ये आपका हो गया, आपने किसका, हमने कोई भी एक लड़के का मान लेते, कोई भी एक स्टूडेंट है, लड़का स्टूडेंट है, उसका नंबर ये, ये मेल स्टूडेंट का है, एक फीमेल स्टूडेंट का नंबर है, ये नंबर है। तो ऐसे हर स्टूडेंट का नंबर अलग अलग है। अब आप यहां देखिए तीनों के नंबर अलग अलग है, ये अगर आप डायल करेंगे तो मोबाइल की बेल यहां रिंग होगी, ये इनके घर होगी, ये इनके घर होगी, पर फर्क देखिए कितना है, तो फर्क लेकिन एक ही डिजिट पर फर्क है। सबका डीएनए अलग अलग है, सबका मोबाइल नंबर अलग अलग है, पर जरा सा अलग है, बाकी इतना तो सिमिलर है ना। ऐसी दुनिया में हर इंसान का डीएनए, याद रखिए दुनिया में हर इंसान का डीएनए 99.9% सेम है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, हम ये कह रहे हैं दुनिया में जितने ह्यूमन है, आप और हम जितने हैं, जितना यानी जो डीएनए आपका है, जैसा सीक्वेंस आपके डीएनए में, वही सीक्वेंस हमारे अंदर 99.9 है, और वही सीक्वेंस अमिताभ बच्चन जी में, वही सीक्वेंस हमारे प्रधानमंत्री जी में है, और वही सीक्वेंस हमारे विराट कोहली जी में, वही सीक्वेंस सचिन तेंदुलकर में है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 99.9% हम सेम है, हम और आप अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग हमारी हाइट है, अलग अलग हमारा कॉम्प्लेक्शन है, हमारे फीचर्स अलग अलग है, वो सब कितना परसेंट है, वो 0.1% डिफरेंट है सिर्फ। यानी कि इस 0.1% डिफरेंस ने ही हमें डिफरेंट बनाया हुआ है। इतना तो सभी का सेम है भाई, ये तीन नंबर हमने फोन नंबर लेके थे, पहली 9 डिजिट सबकी सेम थी, 10 डिजिट में तो फर्क आया था, लेकिन था तो फर्क ना। आपको भी कभी कभी ऐसे फोन नंबर आते होंगे जब आप फोन, अब आप फोन यूज नहीं करते ऐसा हो सकता है, अगर हम ये कहें अगर आप फोन यूज करते होंगे तो ये मतलब बहुत छोटी बात होगी, आप बड़े लोग हैं, दो दो फोन लेकर बैठते हो, तो आपके पास जब फोन आता तो आप भी देख के कभी कभी सरप्राइज होते हैं, इसके बहुत सारे डिजिट तो मेरे फोन से मिल रही है, ये तो यार बिल्कुल पापा के फोन नंबर जैसा है, मम्मी का फोन नंबर जैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिजिट का भी फर्क होगा तो फर्क होगा। तो हम सबका डीएनए कितने परसेंट सेम है, कितना सा डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस ने यानी 0.1 ने हमें बनाया हुआ, आपको आप बनाया हुआ है, फर्क समझ आ रहा है, यानी कि 0.1 ने ही हमें एक दूसरे से अलग अलग बनाया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से, पुलिस को एक ये डेड बॉडी मिली, आपने खुलासा करो लड़के की या लड़के की, हमने जिस मर्जी के मान लो, जिसको आपको दिल करे हमें नहीं बताना, तो ये डेड बॉडी मिली। अब इसका मर्डर हुआ क्योंकि इसके छुरी लगी हुई थी या इसके कोई बुलेट कोई गोली लगी हुई थी, तो पुलिस तो सब पता लगा लेती, आपको पता है क्राइम कभी नहीं करना चाहिए, जिंदगी में कैसी भी कंडीशन आ जाए कभी क्राइम नहीं करना चाहिए, और क्राइम हम कब करते हैं जब हमारा ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है, जब दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता ना, हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, जब भी हमारा मतलब समझाने का ना जब डिस्टर्ब होते हैं ना ऊपर से, तो तब हमारा दिमाग काम करना बंद करता है, तब अच्छे और बुरे में फर्क नहीं पहचान पाते,
इसीलिए हम आपको बीच में समझाते रहते हैं। आपने क्या होगा आपके कान में सर, मैं पता नहीं क्या हो गया, पानी चल गया ना तो। तो हमने कहा कि जब हमारा दिमाग पर कंट्रोल खत्म हो जाता है तो फिर हम क्राइम कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा होशियार कोई नहीं है, जबकि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं, कब्र में से भी खोद के ले आते हैं। इसीलिए पुलिस में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप जैसे साइंटिस्टों ने पुलिस की पावर को डबल कर दिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दे करके। आपने किसी ने दी, हमने अभी लिखेंगे एलेक्स जेफरी ने दी 1984 में दी। तो इसलिए कभी क्राइम मत करा लाइफ में, और करना तो ये सोचे करना मैं एक दिन सेख लूंगा, इसमें दो राय नहीं है, चाहे कितने साल हो जाए पुलिस पकड़ के मारेगी। तो पुलिस की अब ड्यूटी है, पुलिस को अब ये पता लगाना है गोली किसने मारी। अब ये मुर्दा तो खड़ा होगा कहेगा नहीं कि मेरे को गोली उसने मारी, और वो जो जिसने मारी है वो भी आके जल्दी से नहीं कहने वाला। हालांकि कभी कभी पुलिस ऐसी कंडीशन पैदा करती है और एक्सेप्ट कर लेता है, जब वो थक जाता है ना भागते भागते फिर कहता है जी मैंने ही मारा, लेकिन जल्दी से नहीं। तो ना तो ये मुर्दा कहने वाला कि भाई मेरे को गोली उसने मारी, अगर बोल सकता था वो जाके पकड़ लाती पुलिस, और वो भी नहीं आ रहा। और वो मर्डर जो है किलर जो है वो भी नहीं कहने वाला कि जो मैंने गोली मारी है। अब पुलिस कैसे करे? आपने कहा सीसीटीवी कैमरा, हमने कहा जरूरी तो नहीं है यहाँ कैमरा लगाओ जहाँ पे डेड बॉडी भी नहीं है। पुलिस करेगी तो सारी चीजें, पर पता कैसे करे, ये कैसे पता लगाए? तो ऐसे केस को सुलझाने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का एक जबरदस्त रोल है, ऐसे केस सुलझाने में, यानी कि उस मर्डर को खोज निकालने में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पुलिस की जबरदस्त हेल्प करती है। दूसरा, जहां पर पैटर्निटी केस है, पैटर्निटी मतलब जहां पर एक पारिवारिक मतभेद है, डिस्प्यूट्स है, कि आपको यह पता लगाना हो कि इन दो हस्बैंड वाइफ का यही बच्चा है, बदल तो नहीं गया। जैसे आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, आप बहुत सारे सीरियल में देखते हैं कि हॉस्पिटल में फलाने नर्सिंग होम में, हमें नहीं पता कौन है, हम तो टीवी देख के बता रहे हैं कि बच्चे बदल जाते हैं, बदल जाते क्या बदल देते हैं, बाद में पकड़े भी जाते हैं। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्राइम करिए, पर ये सोचिए करिए तो पकड़ा में जरूर जाऊँगा, इसलिए हम क्राइम ही नहीं करते। और करेंगे उसी दिन ये कंट्रोल खत्म हो जाएगा, और ये कंट्रोल खत्म हो जाएगा तो हम इंसान कहाँ रहेंगे? इंसान वही है जिसके दिमाग उसके कंट्रोल में हो। अगर बोलते वक्त, देखते वक्त, सुनते वक्त हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर हम एक आइडियल पर्सन भी नहीं है, एक आइडियल सिटीजन भी नहीं है। हमारा दिमाग हमेशा हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, कितना भी दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए जवान पे नहीं आनी चाहिए, भाषा नहीं बदलनी चाहिए। याद रखिए यही समझदार व्यक्ति की पहचान है कि आप गुस्से में भी अपना आपा नहीं खोते, देसी भाषा आपा नहीं खोते मतलब अपना कंट्रोल नहीं खोते, तो कंट्रोल कभी मत खोल। तो आए दिन हम अखबारों में टीवी में पढ़ते हैं, कोई मदर कहती थी हमें तो लड़का हुआ था हमारे, तो क्योंकि आप जानते हैं झंझट बड़ा है कि लड़का हो लड़की हो, लेकिन क्वेश्चन ये कि बच्चा हेल्दी हो तो नहीं काफी होता है। लेकिन वो कहते हैं हमारा तो लड़का हुआ था, भाई वो बात सही है, उसको लड़का हुआ था तो वो लड़के ही मिलना चाहिए, लड़की हुई थी तो लड़के ही मिलनी चाहिए। अब ऐसा केस तो भारत में अभी तक तो हमने नहीं सुना कि भाई किसी ने लड़की लेने के लिए लड़के से रिप्लेस कर दिया। यूजली ऐसे ही होता है कि लड़का हुआ है किसी ने मिल करके उसके लड़के को किसी लड़के से बदल दिया। क्या कहा जब वो उसे भाई मदर कि आपके लड़के ने जन्म लिया है, लेकिन उस बात को डाउट है कि नहीं मेरा तो लड़का हुआ था, कहीं से किसी ने कहा कि हमने देखा था लड़का हुआ था। मतलब ऐसे केस जब उलझ जाते हैं तो पुलिस कैसे पता लगाए? तो यहाँ पर भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इसमें भी हेल्प करती है कि ये जो ऑफिस स्प्रिंग है ये इन पेरेंट्स का है भी कि नहीं, ये पता लगा देती है। यानी कि अगर हम चाहें कि जिन हम पेरेंट्स कह रहे हैं वो हमारे हैं कि नहीं है या हम उनके हैं कि नहीं है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एकदम बता देती है, एकदम पहचान बता देगी कि हाँ जी आप उनकी संतान है कि नहीं है। तो पुलिस क्या करेगी, अब ये मदर कह रही है कि ये लड़की मेरी नहीं है, तो पुलिस इनकी क्या कर देगी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर देगी, डीएनए मैच करेगी। अब डीएनए अगर मैच हो गया तो इन्हीं की लड़की है, नहीं हो रहा तो बदल दी गई है, फिर 100% बदल दी गई है, फिर पुलिस उस एंगल पर काम करेगी। पहले तो ये कंफर्म करेगी क्या ये संतान की है भी कि नहीं, कहने से बात नहीं बनती कि है कि नहीं है। तो ये इसकी एप्लीकेशन से, ये बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन से ये पैटर्निटी डिस्प्यूट को सोल्व करना, कोई मर्डर केस क्राइम को सोल्व करना, यानी फोरेंसिक एप्लीकेशन, जब आप किसी क्राइम को सोल्व करते हैं, जब आप किसी क्राइम का पता करते हैं,
किसी क्राइम को सीन को सोल्व करने में हेल्प करते हैं, किसी ने इसको मर्डर कर दिया, किसी ने इसको बेहोश करके यहाँ फेंक दिया, तो उसे हम फोरेंसिक कहते हैं। तो आप टीवी पर देखते हैं फोरेंसिक साइंस वाले आते हैं, फोरेंसिक साइंस पढ़ाई भी होती है, आप सब जानते हो। तो फोरेंसिक एप्लीकेशन है इसकी, क्या हम किसी मर्डर को सुलझा सकते हैं। तीसरा, हम इवोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं कि क्या क्या समय के साथ साथ हमारे डीएनए में इवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर मेन तो दो ही है कि एक तो फोरेंसिक एप्लीकेशंस हैं और एक पैटर्निटी, पारिवारिक मतभेद को सुलझा कि बच्चा उनका है या नहीं। नंबर एक बार ये टेक्नोलॉजी दी किसने, ये मिस्टर एलेक्स जैफरी ने, मिस्टर एलेक्स जैफरी, याद रखना एलेक्स जैफरीज, स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है पर एनसीईआरटी की फॉलो करना, लेफ्ट हैंड साइड पर लिखिए एलेक्स जैफरी। तो एलेक्स जैफरी प्रपोज द टेक्नोलॉजी दैट इज डीएनए फिंगर प्रिंट। आपने कहा ठीक है सर, अब बहुत ध्यान सुनना, अब हम कैसे पता लगाएं 99.9% डीएनए सेम है, इतना तो सेम है, तो हमें तो यही दो इंडिविजुअल में यही तो पहचानना है कि 0.1% क्या अलग है। अब ये 0.1% जस्ट 0.1, जब हम कह रहे हैं ना कि 99.9% तो सेम है और जस्ट 0.1% डिफरेंट है, ये फिगर तो दिख रही है आपको 0.1% डिफरेंट है, अपने में बड़ी फिगर है। जैसे आपने कहा सर मेरे पास ना 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़, हमने कहा दे दो, आपने कहा हम तो दे दें, मतलब हमने कमाया तो हमने जाना मत दो, 0.1% दे दो इसका। अब आप सीधे लोग थे, आपने कहा और 1% में मान लो सर 0.1% कि चलो 0.1% हम दे देंगे, पापा से पूछना लाख करोड़ बैठेंगे, अगर 10 करोड़ का आप 0.1% की बात करें तो बहुत सारे बैठे पापा कहेंगे तो पागल बन गया भाई, तेरे सर जी ने तेरा पागल बना दिया, उन्होंने 0.1 कह के तेरे को लाखों रुपए लूट लिए तेरे से। हालांकि हम लूट सकेंगे, आपको पता है हमारे नेचर एक एग्जाम्पल पसंद आएगा, लूटना नहीं चाहिए किसी को, ना हमें ना आपको। लेकिन ये कितना बैठ रहा है, हमारा टोटल डीएनए था 3×10^9 बेस पेयर और ये 1% बैठ रहा है 3×10^6 बेस पेयर, तो ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा दिख रहा है बस 0.1%। तो ये 0.1% का ही हमें पता लगाना है, बस ये कैसे पता लगाना ध्यान से सुनना। ये एक डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, तो पुलिस का पहला काम ये होता है तुरंत क्राइम सीन पे जाते हैं और तुरंत फोरेंसिक टीम को बुला लेते हैं, एकदम उनके साथ टीम अटैच होती है, एकदम फोरेंसिक साइंटिस्ट की टीम को बुलाते हैं। वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे इसके नाखून में कहीं कोई हाथों में कोई बाल तो नहीं है, क्योंकि जब इसको गोली लगी होगी हो सकता है ये झपट पड़ा हो उसके ऊपर, हो सकता है इसकी छुरी लगी हो, इसने उसके बाल पकड़ लिए जो उसको मार रहा, उस छीना झपटी में इसके हाथ में कोई बाल तो नहीं आ गया। अगर ये बाल यहाँ से आ गया, ये बाल आ गया इतना हिस्सा, तो भाई ये किसी काम का नहीं, तो प्रोटीन है। जब बाल ऐसे खींचे होंगे तो उसकी जड़ निकली होगी, कभी आपने बाल एक धीरे से खींचा हो अपने सिर से तो नीचे से बल्ब सा दिखाई दिया होगा, इसे हेयर फोलिकल कहते हैं। अगर हेयर फोलिकल निकला है, यानी इसे हेयर रूट भी कहते हैं, अगर जड़ निकल गई है तो हमारे फोरेंसिक साइंटिस्ट का काम हो गया, क्योंकि इसे उसमें सेल्स मिल जाएंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ तो प्रोटीन है, यहाँ नीचे बेस पर मिल जाएंगी और उस वो सेल से डीएनए निकाल लेंगे, उनका काम हो जाएगा, वो बड़े मजा। हो सकता है छीना झपटी में जो मर्डर कर रहा था उसके भी कहीं छुरी लग गई, जो उसके आसपास खून पड़ा हो सकता है उस खून में उस मर्डरर का भी खून हो, आपका हो सकता है सर एक दो खून निकल गई ज्यादा निकल गया, तो ब्लड सैंपल मिल गया तो साइंटिस्ट का काम चल गया, क्योंकि ब्लड के अंदर आरबीसी से कुछ नहीं होने वाला, आरबीसी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में डीएनए नहीं होता, आप जानते हैं न्यूक्लियस ही नहीं होता तो डीएनए कहां से होगा। तो इसलिए आपने का माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ाया हुआ आपने, हमने आपको तो ये भी पढ़ाया हुआ ना हमने कि मैच्योर आरबीसी के अंदर सारे सेलोमिन रिसेप्टर हो जाते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन रह जाता है, इसलिए आरबीसी हमारे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हेल्प नहीं करती, लेकिन मासाला डब्ल्यूबीसी को करती है, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं एक है आरबीसी एराइथ्रोसाइट, एक है डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, एक है ब्लड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट्स एंड एराइथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स ये कैसी सेल्स हैं, ये तो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस ही नहीं है, इसे इनसे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, डब्ल्यूबीसी से होने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है
कि कहीं क्राइम हो रहा है तो जो विक्टिम है, विक्टिम मतलब पीड़ित है जिसकी डेथ हुई है, उसने ऐसे नाखून पंजे मार दिए हाथ पे मर्डर करने वाले के, या उसके मुंह पे लग गए हो आप टी और देखते हैं खरोच वगैरह भी पुलिस चेक करती है, तो उसके नाखून में स्किन आ गई हो, थोड़ा सा कोसन खुरच किया हो, उसमें से वो निकाल देंगे। हो सकता है कहीं पर रेप सीन हुआ हो, रेप करके मारा गया हो, तो सीमन से निकालने के, सीमन में डीएनए है क्योंकि स्पर्म में तो डीएनए, वेजिटेबल फ्रूट से निकाल लेंगे, यानी देर आर मैनी सोर्सेज ऑफ द डीएनए फॉर फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग के लिए हमारे पास, हमारे फोरेंसिक टीम के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो बहुत जगह से डीएनए निकाल सकते हैं, और वो डीएनए में सिर्फ ये देखेंगे कि इनका डीएनए में सिक्वेंस क्या है। आप लोग तो ये कैसे पता लगेगा, हमने पहले सुनो, अब जो यहाँ इसके बाल में से जो इसके हाथ में बाल मिले या ब्लड मिला उसका हमने डीएनए निकाल लिया, पहले हमने उस ब्लड WBC से डीएनए निकाला और डीएनए और इसका डीएनए लिया, डेड बॉडी का दोनों का मैच करा, कहीं ये खून इसी का तो नहीं था, पता लगा नहीं जी अलग है, तो ये डीएनए इसका अलग है, जो यहाँ ब्लड में मिला वो डीएनए अलग है, वो अलग करना ही सीख रहा है। तो अब इसकी बॉडी की आइडेंटिफिकेशन कराएगी पुलिस, पहले बात तो कोई अपने आप ही थाने जाएगा जी हमारा घर का ही मेम्बर मिसिंग है, हो सकता है कहीं से ले जाके मार के फेंका हो, तो पर कहीं ना कहीं तो पुलिस में लिखवाया जाएगा ना कि जी हमारा घर का ही मेम्बर गया है, तो पुलिस को तुरंत अपना इंटरनेट है वहीं से तमिलनाडु का बता दें क्या हो रहा है। तो पहले तो पुलिस इसको आइडेंटिफाई कराती है, शिनाख्त करना चाहते हैं, और जब कोई भी नहीं आता, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं होती, तो फिर आप अखबार पढ़ते हो, अखबार में फोटो भी डलवाते हैं कि आप इस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करें और निम्नलिखित नंबर पर आप हमें सूचित करें अगर आप पहचान पा रहे हैं इसको, तो आइडेंटिफिकेशन पर अब फैमिली पकड़ में आ गई कि इस फैमिली का मेंबर था। अब इनसे पूछा जाएगा आपको किसी पर डाउट है, आप कोई सस्पेक्ट है, आपको किसी पर संदेह है कि आपके इसी घर के मेंबर को ये मार सकता, आप ही किसी दुश्मनी चल रही थी, किसी ने धमकी दी थी, उन्होंने कहा सी मेरे को इस ए आदमी पे शक है, इस बी आदमी पे शक है, इनसे हमारी पहले लड़ाई हो चुकी है ए और बी से, जो भी नाम होंगे नाम का खुलासा नहीं करना चाहिए। तो पुलिस अब क्या करेगी, इनका डीएनए सैंपल ले लेगी और जो वहाँ क्राइम सीन पर डीएनए मिला उस डीएनए से इनके डीएनए को मैच करेगी। अगर डीएनए मैच कर गया तो 100% ये क्रिमिनल है, क्योंकि इसका डीएनए यहाँ पर है, क्योंकि डीएनए किसी और का मैच नहीं कर सकता ना, इसका डीएनए इससे नहीं मिलेगा उससे नहीं मिलेगा, हर किसी का डीएनए अपना एक अलग होता है। अगर यहाँ पाए जाने वाला डीएनए उस ब्लड में पाए जाने वाला डीएनए इस आदमी के डीएनए से मैच कर रहा है तो 100% वो इसका, क्योंकि जैसे आधार कार्ड सबके नंबर अलग अलग है, ऐसे डीएनए का सबका पोर्शन अलग अलग है, लेकिन कितने परसेंट इतने परसेंट इस पर तो ध्यान ही नहीं देंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, क्योंकि तो सेम है, सेम पे क्या ध्यान देना, वो तो जो आपका वो हमारा वो हर किसी का, जो डिफरेंस है उस डिफरेंस में ध्यान देना है बस। तो अगर इससे मैच कर गया तो ये क्रिमिनल है, इससे मैच करेगा तो ये क्रिमिनल है, और पुलिस इसे कोर्ट में दाखिल कर देगी सबूत को, और कोर्ट इसे कंसीडर करके सजा सुना देगी उसके क्राइम के बेसिस पर। तो इस तरीके से डीएनए प्रिंटिंग हमारी हेल्प करती है, लेकिन उस फैमिली मेंबर को ये बताना पड़ता है कि हमें इस पर डाउट है। अब हो सकता है कि जिनको उन्होंने डाउट बताया उससे डीएनए मैच ही नहीं करा, अब डाउट तो भाई किसी से 2 मिनट की कहा सुनी हो गई, वो भी गुस्से में कहता तो ये देख लूंगा मार दूंगा, तो वो तो उसका भी नाम लिखवाएगा, पर अगर डीएनए मैच नहीं हुआ तो पुलिस उसे छोड़ो, पुलिस बेवजह किसी को नहीं फंसाएगी, वो ये देखेगी कि डीएनए किससे मैच कर रहा है, और जिससे मैच कर रहा है फिर उसे कोई नहीं बचा सकता, फिर पुलिस भी नहीं बचा सकती, क्योंकि पुलिस ने वो सबूत पेश कर दिया है कोर्ट में। तो अब हमें ये तरीका जानना है कि वो कैसे हम 2 लोगों का डीएनए मैच करते हैं, यानी क्या चीज है वो कि हमें ये पता लग जाता है ये डीएनए इसका है ये डीएनए उसका है, और उसके लिए हम सिर्फ 0.1% पे काम करते हैं। इतना याद रखना, 0.1% पे काम करते हैं आपने, ठीक है। ये 0.1% एक्चुअली में, ये 0.1% एक्चुअली में रेपिटेटिव डीएनए कहलाता है, रेपिटेटिव डीएनए कहलाता है, और इसी को आप सैटेलाइट भी बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए, यानी रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए मतलब 0.1%। अब हम जानते हैं कि हम ह्यूमन में डीएनए में, अब एक डीएनए बना लेंगे, डीएनए में 2 पोर्शन होते हैं, आपने कौन से, हमने कहा एक तो याद करो जो एक्सप्रेस हो जाए जो कोड करे, प्रोटीन को कोड करे, आपने कहा याद आ गया एक्सोन कहते हैं,
ये एक्सोन है, EXON, एक्सोन, एक्सोन, ये कोडिंग सीक्वेंस है, याद आ गया, ये कोड करता है, कोडिंग सीक्वेंस है, और बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है बीच बीच में, और इस नॉन कोडिंग सीक्वेंस को आपने कहा, मुझे याद है गुरु जी, इंट्रोन कहते हैं, और एक से ज्यादा है तो इंट्रोन्स कहते हैं। तो ये हमारा डीएनए स्प्लिट डीएनए होता है, क्योंकि कोडिंग सीक्वेंस में बीच बीच में नॉन कोडिंग सीक्वेंस घुसा हुआ है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, और जब कुछ डिसकंटिन्यूअस हो उसे स्प्लिट कहते हैं। तो हमारा डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए स्प्लिट है, जैसे कोई लगातार बोल रहा है तो कंटिन्यूअस बोल रहा है, कोई रुक रुक के बोल रहा है, कोई हकला हकला के बोल रहा है, किसी को तो बाय चांस प्रॉब्लम है कोई जान के भी बोल देता है, लेकिन कोई रुक रुक के बोल रहा है तो वो स्प्लिट है। तो हमारा जो 0.1 डिफरेंस है, 0.1% डिफरेंट है जो डीएनए एक दूसरे से, वो इस नॉन कोडिंग में, इतना याद रखना, नॉन कोडिंग में यहां पर छिपा हुआ है, नॉन कोडिंग में, यानी नॉन कोडिंग में वो एक्सप्रेस ही नहीं करता, इसका मतलब वो में जो हम डिफरेंट है एक दूसरे से वो बाहर एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा, एक्सप्रेस तो एक्सोन करता है, याद करिए, इससे जो डीएनए आरएनए बनाता है एमआरएनए उसे आप हिटोजीनस एमआरएनए कह रहे थे, फिर आप इंट्रोन वाला पोर्शन हटा के इसे जोड़ रहे थे डीएनए लाइगेज से, आपने कहा याद आ गया, मैच्योर या प्रोसेस एमआरएनए कह रहे थे, प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कह रहे थे, हमने कहा वेयर आरएनए स्प्लाइसिंग टेक्स प्लेस, आपने कहा इट टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और बाहर साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूअस एमआरएनए जा रहा था। तो 0.1% जो हम सबका डिफरेंट है डीएनए एक दूसरे से, इट इज लोकेटेड इन इंट्रोन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में। तो पहला पॉइंट समझ में आया कि रेपिटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए अपने आप में एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, और ये इनहेरिटेबल नहीं है, इनहेरिटी नहीं होता नहीं सॉरी, ये रेपिटेटिव डीएनए अपने आप में क्या है, इंट्रोन से नॉन कोडिंग है। अब नॉन कोडिंग है तो आप कह रहे हैं रिपीटेटिव क्यों कह रहे हैं, अब उस नॉन कोडिंग पोर्सन को हमने ये एक्सोन है, एक्सोन है, ये इंट्रोन से बड़ा कर लिया, इसके अंदर सीक्वेंस ही है, मान लीजिए ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, ए टी जी सी, तो आप क्या देख रहे हैं कि 0.1% रेपिटेटिव डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में है, नॉन कोडिंग पोर्शन में है, यानी इंट्रोन में है, और ये पोर्शन एक डीएनए क्रोमोसोम में होता है, डीएनए क्रोमोसोम में होता है, याद करिए बहुत सारी चीजें मिक्सअप है, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं, इसलिए दो बार क्लास अटेंड कर रहे हैं। फिर हम वही पहले पॉइंट पर आ जाते हैं जहां आधे घंटे पहले थे, कि सभी का डीएनए दुनिया के इस अर्थ के ऊपर, इस यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन है सबका 99.9 डीएनए सेम है, 0.1% डिफरेंट है, और जो डिफरेंट है उसे रेपिटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ये डीएनए नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रोन होता है, और ये डीएनए इस क्रोमोसोम में यूजली यहां पर क्रोमोसोम के एंड पर मिलेगा, एंड को टेलोमियर्स कहते हैं, टेलोमियर्स में मिलेगा, सेंट्रोमियर के करीब मिलेगा या लोकस पर मिलेगा। और याद करो हमने यू क्रोमैटिन और हेटरोक्रोमैटिन पोर्शन पढ़ा हुआ है कि कहीं पर बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, कहीं पर लूजली है, याद करो यू क्रोमैटिन हेटरोक्रोमैटिन, तो ये रेपिटेटिव डीएनए हेटरोक्रोमैटिन में भी है, और अगर नहीं याद आ रहा तो रजिस्टर में पीछे जाके देखिए, किताब में जाकर, बुक में जाकर देखिए, यू क्रोमैटिन एंड हेटरोक्रोमैटिन, कौन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव था, कौन नॉन एक्टिव था, कौन डार्क स्टेन था, कौन लाइट स्टेन था, एक बार फिर देखिए जाकर। तो रेपिटेटिव डीएनए अपने आप में नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, अपने आप में इंट्रोन है, आपने कहा राइट, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, टेलोमियर से मिलता है, यानी एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम में मिलता है, नियर द सेंट्रोमियर में मिलता है, हेटरोक्रोमैटिन फाइबर से मिलता है। तो इस रेपिटेटिव डीएनए को इसलिए रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, ये रेपिटेटिव डीएनए, इसलिए इसको रेपिटेटिव या रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, इसमें कुछ पोर्शन बार बार रिपीट होगा, एटीजीसी, 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 ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए, सोच के आपने वैसे हो रहा, तो ये पोर्शन रिपीट हो रहा है, वही फिर से रिपीट हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया, ये जितना पोर्शन रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हम चार बेस दिखा रहे हैं, पेयर में ही होंगे, ए है तो टी, टी है तो ए, जी है तो सी, हम एक का दिखा के चल रहे हैं,
हम चार बेस पेयर का एक पोर्शन दिखा रहे हैं एटीजीसी, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो जो पोर्शन रिपीट हो रहा है बार बार उसे रिपीट कहते हैं, उसे बोलते हैं रिपीट। ये रिपीट है, ये रिपीट है, जो बार बार आ रहा है उसे रिपीट कह रहे हैं। अब ये चार बेस पेयर का भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दस भी हो सकते हैं, पचास भी हो सकते हैं, साठ भी हो सकते हैं। यानी कि ये रिपीटेटिव डीएनए, ये सैटेलाइट डीएनए दो टाइप का हो गया, एक हो गया मिनी सैटेलाइट, अगर 10 से 60 बार रिपीट हो रहा है उस अगर ये, यानी कि एक तो मिनी सैटेलाइट, इसके भी बाद में बात करते हैं, एक होता माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट अगर ये 10 से 60 बार रिपीट हो रहा है तो मिनी या माइक्रो, 1 से 10 ये और छोटा हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, हम उसकी जरूरत है मिनी सैटेलाइट की, जहां रिपीट कम से कम 10 से 60 बार हो रहा है, तो सबका अलग अलग रिपीट हो रहा है। ये रिपीटेटिव डीएनए है, जिसमें रिपीट्स हो वो रिपीटेटिव डीएनए, रिपीट मतलब वो पोर्शन, वो डीएनए सिक्वेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम जितने भी हम सब ह्यूमन है, हम सबके अंदर एटीजीसी है, पर आपके अंदर नंबर अलग है, हमारे अंदर नंबर अलग है। हमारे अंदर चार बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है आपके अंदर हजार बार रिपीट हो रहा हो, किसी और के अंदर किसी और बार हो रहा हो सकता है। हमारे सातवें क्रोमोसोम में चार रिपीट है, आपके सातवें में दो रिपीट है, हमारे नौवें में 10 है, आपके नौवें में 12, तो हर किसी में रिपीट अलग है। यानी दुनिया में सबका जो रिपीटेटिव डीएनए है, ये जो रिपीट हो रहा है ना, जो बार बार चीज आ रही है, बार बार के लिए हम लगाते हैं टैंडम, टैंडम बार बार जो बार बार आ रही है, सिर्फ वेरिएशन है। हम सबका डीएनए इसलिए वेरिएबल है क्योंकि हमारे अंदर रिपीट के नंबर अलग अलग है, तो इसीलिए फुल फॉर्म बन रही है वेरिएबल टैंडम, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वीएनटीआर। सुना होगा जरूर स्कूल में, जब टॉपिक चला होगा वीएनटीआर, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, टैंडम मतलब लगातार जो बार बार पोर्शन आ रहा है ना उसमें वेरिएशन है। क्यों, किसी के यहाँ पर क्रोसिंग हो गई, म्यूटेशन किसी के यहाँ पर हो गई, आपने सर और धीरे से समझाओ सर, मैं ठीक है और धीरे समझा। ATGC एक रिपीट, दो रिपीट, तीन रिपीट, चार रिपीट, पांच रिपीट, छह रिपीट, हमारे अंदर छह रिपीट्स हैं। किसी के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया कि जो ए था एक ही जगह यहाँ पर सी आ गया, जब एक ही जगह सी आ गया तो ATGC तो उसमें भी है, हमारे में छह लगातार, और उसमें यहाँ चेंज आ गया तो लगातार ATGC तीन ही रह गए ना, तो देखो हमारे अंदर तो छह थे, अब किसी में म्यूटेशन आया, चेंज आया, और चेंज से जो बदलाव आया यहाँ सी आ गया, जो आपको सी दिख रहा है ये पॉलीमॉर्फिज्म है। म्यूटेशन से जो चेंज आता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया सर, म्यूटेशन ही तो कहते हैं, ध्यान से सुनिए। हमने किसी के थप्पड़ मारा, जो मारना नहीं चाहिए, पर एग्जांपल, हमने किसी के थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारना म्यूटेशन है, और उस थप्पड़ से जो उसका गाल लाल हो गया ना, जो पूरे उंगलियां छप गई, वो जो उंगलियां छपी हुई दिखाई दे रही है, वो पॉलीमॉर्फिज्म है। यानी कि म्यूटेशन कोज है, और जो लाल गाल दिख रहा है उसका, उंगली छपी हुई दिख रही है, वो पॉलीमॉर्फिज्म, वो रिजल्ट है। यानी कि जो फिर दोबारा सुनते हैं, कोई जा रहा बेचारा बड़ी तेजी से, साइड में से कोई निकल आया, टक्कर लग गई, टक्कर म्यूटेशन है, और उस टक्कर से जो बेचारे की बाइक टेढ़ी मेढ़ी हो गई, वो पॉलीमॉर्फिज्म। दिमाग में सेट कर लीजिए, म्यूटेशन कोज है और पॉलीमॉर्फिज्म रिजल्ट है। बेस बदलना म्यूटेशन है, बेस बदलने से ये हुआ कि यहाँ सी आ गया, ये पॉलीमॉर्फिज्म है, और डीएनए में हो रहा है, इसलिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। ये टर्म बड़ी बार बार एनसीईआरटी में आ रही है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। और इस पॉलीमॉर्फिज्म से क्या हुआ कि जो हमारे अंदर छह थे, किसी इंसान में यहाँ पर म्यूटेशन की वजह से पॉलीमॉर्फिज्म आया, जो ATGC हमारे अंदर छह बार था लगातार, उसके अंदर तीन ही बार, किसी में पांच बार होगा, किसी में हजार बार होगा,
तो सबके अंदर रिपीट्स अलग अलग है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स ये VNTR है। तो VNTR मतलब दुनिया में जितने भी इंसान है सबके अंदर रिपीटेटिव DNA में रिपीट्स के नंबर अलग अलग होगा। अब बहुत बेसिक क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस ये है कि भाई रिपीट्स है, ध्यान देना रिपीट्स है, एक दो तीन, जब तीन है तो इतनी लंबाई होगी रिपीटेटिव DNA की, सैटेलाइट DNA की, और जब छह है तो इतनी लंबाई होगी। तो ध्यान रखना कि हमने कई बेसिस पर सैटेलाइट DNA को डिवाइड किया है दो हिस्सों में, मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट। हम ये भी देखते हैं कि जो रिपीट है उसमें कितने बेस पेयर है, जैसे हमने चार लिए, किसी में पांच भी होंगे, किसी में जो बार बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है 10 भी होगा, तो कितने नंबर है यानी कि बेस पेयर के रिपीट्स में, और वो रिपीट कितनी बार आ रहा है, सबके अंदर अलग अलग है, रिपीट तो एक ही है पर नंबर अलग अलग है हम सबके, इसलिए हमारे सबके रिपीट अगर एक साथ रखते हैं, हम जितने भी पढ़ने वाले बैठे हैं, हम अपने और आपकी बात कर रहे हैं, तो हम सबके अंदर रिपीट्स अलग अलग है, तो वो रिपीट कहलाना है VNTR, वेरिएबल टैंडम ऑफ रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो दिस इज द VNTR मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट एक से दस तक ही है, वहां तो छोटा सा सिक्वेंस है, यहाँ तो बड़ा सिक्वेंस है 10 से लेकर 60 तक, इसलिए इसे सॉल्ट टैंडम रिपीट्स भी कहते हैं, सॉल्ट टैंडम रिपीट्स। टॉपिक थोड़ा सा रटने वाला भी समझ लीजिए, इसे रटना भी पड़ेगा आपको थोड़ा सा बस में आ गए, थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में कुछ भी हो छोड़ना नहीं पड़ेगा, इसे छोड़ना नहीं है। तो VNTR से नया DNA पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हुआ, कि DNA पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, आप यहाँ भी DNA पॉलीमॉर्फिज्म ये हुआ, मैं क्या हुआ कि सर जब म्यूटेशंस होती है तो वो जो चेंज आता है ना, बेस बदल जाते हैं, उसे मॉर्फिज्म कहते हैं राइट। और हमने कहा जो ये सेटेलाइट DNA कहाँ मिलेगा, आपने कहा ये मिलेगा सर रिपीटेटिव DNA सेटेलाइट DNA की बात है ना, हाँ जी रिपीटेटिव DNA एक ही बात है, सैटेलाइट DNA एक ही बात है, इसके फिर दो टाइप है मिनी सैटेलाइट माइक्रो सैटेलाइट, ये सब एक ही बात है, ये मिलेगा इंट्रोन में नॉन कोडिंग सीक्वेंस में, इंट्रोन में, और इंट्रोन एक्सप्रेसिव का नॉन कोडिंग है, एक्सोन के बीच बीच में जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है वो इंट्रोन। तो मैच कैसे करते हैं, तो मैच करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, मेथड्स क्या है, पहले तो मैं DNA को आइसोलेट करना है, पहला स्टेप ये हो गया कि इस, अब जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, अब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के जब हम इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो चीज़ आसान हो जाती है, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ लिया कि आइसोलेशन ऑफ DNA, कि अगर ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल को हटाने के लिए सेलुलेज एंजाइम, अगर ये फंगल सेल है तो काइटिनेज एंजाइम, कहने का मतलब हमने DNA आइसोलेट करना सीख लिया था कि प्रोटीन से और लाइपेज से मेम्ब्रेन को डिसोल्व कराना, फिर DNA आइसोलेट हुआ था लेकिन साथ में उसके RNA भी थे प्रोटीन भी थे, तो प्रोटीज और RNA से उसे डिस्टर्ब कर देना हटा देना, फिर हमने DNA की क्या कराई थी स्पूलिंग कराई थी, चिल्ड इथेनॉल डाला था, कुल मिला करके DNA का पहला स्टेप है DNA का आइसोलेशन करना। अब उस DNA का आइसोलेशन करने के बाद अब हमें वो पोर्शन निकालना पड़ेगा ना, जो 0.1% डिफरेंट है 99.9 को वही छोड़ना, 0.1% को बाहर निकालना है, तो उसके लिए DNA को कट लगवाएंगे पर्टिकुलर उसी जगह पर, आपने रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर का यूज करेंगे अपना राइट। अब डेंसिटी ग्रेडियंट से, अब ये जो बाकी का जो बल्क है ना 99.9% जो DNA है मतलब एक्सोन है मतलब कोडिंग सिक्वेंस है, इसे बल्क DNA कहते हैं, बल्क DNA, ये जीनोमिक DNA भी कहलाता है, जीनोमिक DNA। तो जीनोमिक DNA को हमें अलग करना है सैटेलाइट से, ये सैटेलाइट को अलग करना है जीनोमिक DNA से, क्योंकि सभी का जीनोमिक तो सेम है, अब आपका जीनोमिक हो हमारा जीनोमिक हो किसी और का जीनोमिक हो इसमें क्या डिफरेंस ढूंढेंगे, जब सबका ही सेम है फिर तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे, अगर आप जीनोमिक देख करके पकड़ने लगे तो फिर तो पूरी दुनिया को जेल में डालना पड़ेगा, सबका ही सेम है जीनोमिक एक्सोन सबका ही सेम है भाई, तो हमें क्या ढूंढना है 0.1% को ढूंढना है जो एक दूसरे से अलग है। तो हमें हमने पहले DNA को आइसोलेट किया,
स्टेप याद रखना, स्टेप पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। पहला आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आपने कहा लिखवा दो, रिटर्न में देंगे, टेंशन मत लो। हमने कहा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर हम करेंगे यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेशन, यानी कट द डीएनए। अब इनको सेपरेट करेंगे, याद करो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके इनको सेपरेट करेंगे। आपको शायद ध्यान आ गया हो, ये डीएनए थे, जितना बड़ा डीएनए था वो पीछे था, जितना छोटा था उतना आगे था। तो पहला आइसोलेशन, फिर कट करना और फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करना। लेकिन अगर हमें क्राइम सीन से थोड़ा सा डीएनए मिला, हमें एक ही बाल मिला, बस कुछ नहीं मिला, ना ब्लड मिला, ना कुछ स्किन मिली, कुछ नहीं मिला, हमें वहां पर क्रिमिनल का एक बाल मिला। अब उसके फैमिली मेंबर ने कहा कि मुझे ए पे डाउट है, बी पे डाउट है। अब हमने कहा ठीक है, इसके डीएनए का पहले हमने प्रोफाइल लेकर डीएनए की बनावट देखी, इससे डीएनए लेके मैच करा, अब खत्म हो गया, इससे मैच करा, डीएनए हमारा खत्म हो गया। हम ये तो नहीं कह सकते भाई हमें तो डीएनए मिला ही नहीं, और थोड़ा सा डीएनए मिला था, खत्म हो गया। अब उन दोनों में से कोई मुस्लिम निकला नहीं है, ना इसका मैच हुआ ना इसका मैच हुआ। उन्होंने कहा जी मुझे सी पे भी डाउट है, मुझे डी पे भी डाउट है, इन पर मुझे ज़्यादा था, इनसे मेरी तगड़ी तगड़ी लड़ाइयाँ हुई थी, इनसे मेरी घासू नहीं हुई थी, अब मेरा डीएनए कहाँ से लाए। तो याद करो बायोटेक्नोलॉजी में एक ऐसा प्रोसेस पड़ता है आपने कि अगर हमको डीएनए का सैंपल थोड़ा सा है ना, तो हम उसे ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत एम्पलीफाई कर सकते हैं, मन में सोच करके अगर याद आ जाए हाथ उठा देना, उठा भी दे देखो कई बच्चे हैं, मन में सोच के हाथ उठा देना कि नेम का टेक्निक दैट इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए दैट इज कॉल्ड पीसीआर, उसे पीसीआर कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। याद आ जाना चाहिए कैरी म्यूलिस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके तीन स्टेप थे, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, आपने चेंजिंग, एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन कराने के लिए आपने खास थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया था, मन में याद आ जाए तो वहीं से हाथ उठा देना, आपने याद आ गया सर ताकि डीएनए पॉलीमरेज, हमें सोच से याद आ जाए तो बता देना, आपने कहा थर्मस एक्वेटिकस तो मुझे याद आ रहा है सर। तो अगर आपने, इसलिए हम पीसीआर को स्टेप में नहीं लिखते क्योंकि ये कंडीशनल है, अगर डीएनए का मतलब एम्पलीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, ये नहीं कि करना ही है, ज्यादा मिला तो फिर जरूरत नहीं है, पर काम है तो करना पड़ेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में याद करो एग्रोज जेल, तो हमने एग्रोज जेल से ने यूज करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से ने सेपरेट कर दिया और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, चौथा स्टेप है सदन ब्लॉक या ब्लॉक, ये साइंटिस्ट का नाम था ईएम सदन, जिन्होंने काम किया ईएम सदन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एग्रोज जेल पर तो कुछ जांच कर नहीं सकते डीएनए की, एग्रोज जेल के ऊपर हमने सेपरेट तो कर लिया, एक ऐसे समझ लो ये किट, ये डीएनए फ्रैगमेंट। अब हमारे पास एक नाइट्रोसेलुलेज की मेम्ब्रेन होती है, नाइट्रोसेलुलेज की मेम्ब्रेन, ये नाइलोन की मेम्ब्रेन, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर ये एग्रोज जेल है जिसमें डीएनए है, जगह जगह पर फ्रेगमेंट से अलग अलग, याद करो अलग अलग क्यों है, क्यों ये एनोड की तरह भाग लेते, ये डिपेंड अपॉन द साइज, ज्यादा के सारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तसल्ली से खराब है, इसके ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज को ऐसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं और वो डीएनए पे चिपक जाते हैं, इसको हम ले आते हैं। यानी जो जो पोजिशन यहाँ पर होगी, जो जो पोजिशन डीएनए की यहाँ पर होगी, वही वही पोजिशन यहाँ पर होगी, बस यहाँ पर देखो ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड होंगे ना, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड। पहला स्टेप डीएनए आइसोलेट करिए, दूसरा स्टेप आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करिए पीसेस में, फ्रेगमेंट्स में, फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट करिए। अगर डीएनए के सैंपल अमाउंट आपके पास करना तो पीसीआर से उसे ज्यादा कर लीजिए, पीसीआर से ज्यादा कर लीजिए प्लीज। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि हम नाइट्रो सेलुलोज का या नाइलोन की मेम्ब्रेन का यूज करके डीएनए उस पर कैच कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। इस एग्रोज सेल से नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पर डीएनए को ट्रांसफर करना ही सदन ब्लॉटिंग कहलाता है। सदन ब्लॉटिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एग्रोज सेल टू द नाइट्रोसेलुलोज या
नाइलोन मेम्ब्रेन, इसका सदन प्रोटीन। अब क्या करेंगे, अब ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन आ गई आप पे, आपने सदन प्रोटीन भी कर लिया, अब ये मेम्ब्रेन आ गई, अब ये एग्लोज नहीं है, ये मेम्ब्रेन है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए सेपरेट हो रहे हैं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर कोई, आपने कहा हाँ आपने तो वही इथिडियम ब्रोमाइड जो ना, तो सब जेरेटोफोरेसिस का टॉपिक है ना, यहाँ तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हमने जेरेटोफोरेसिस करी। आपने कहा बार बार कहाँ चले जाते हो, हमने हमें देखने चले जाते हैं कि कैमरा चालू भी है कि नहीं, कभी हम बोलते रह जाए, तो हमने कहा हम बार बार ये समझा रहे हैं आपको कि यम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ के पढ़ना इसलिए फायदा हो रहा है, अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी ना पढ़ी होती तो यहाँ अटक जाते हैं आप, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसे कहते हैं, आप अटक जाते हैं डीएनए आइसोलेट किसे कैसे करते हैं, इसीलिए जब हम सिक्स चैप्टर में ये कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो बच्चे घबरा जाते हैं, सर सर ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो भाई अब आपको सब आता है ना, रेस्ट्रिक्शन कहते हैं आप पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, हिंदी थर्ड बोल देंगे, सेकंड बोल देंगे, इक्वार फर्स्ट बोल देंगे, बैवेज फर्स्ट बोल देंगे, सन फर्स्ट बोल देंगे, पीवीयू फर्स्ट और पीवीयू सेकंड बोल देंगे, आप सब कुछ बोल देंगे, आपको सब आता है, इस सब एग्लोजियर पता है, ताकि डीएनए पॉलीमरेज पता है, पीसीआर पूरा आपको याद हुआ पड़ा है। तो अब ये नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है, पहला स्टेप पांचों छठी बार बोल रहे हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जेरेटोफोरेसिस, ट्रांसफर ऑफ सेपरेटेड डीएनए ऑफ दिस सेलुलोज नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सदर प्रोटीन, और बीच में हमें पीसीआर भी करना पड़ सकता है इफ वी हैव लिटिल अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड डीएनए। अब हम डीनेचुरेशन कर देंगे, आपने डीनेचुरेशन आपने पीसीआर में पढ़ाया था, हीट करके डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट्स को अलग करना डीनेचुरेशन, हमने कहा यहाँ हीट नहीं करेंगे, यहाँ एल्काली से करेंगे, एल्काली डालेंगे और डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट कर देंगे, यानी सिंगल स्टैंडर्ड बना देंगे, ये बना देंगे सिंगल स्टैंडर्ड, और ये मिनी सैटेलाइट है, इनमें रिपीट्स हैं अलग अलग, अब मिनी सैटेलाइट कहो सैटेलाइट कहो वीएनटीआर कहो एक ही बात है, अब हम यहाँ पर वीएनटीआर प्रोब यूज कर लेंगे, वीएनटीआर प्रोब, अब वीएनटीआर प्रोब समझ लीजिए, एक प्रोब का मतलब ही क्या है, या तो डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी, पर अगर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तो प्रोब डीएनए वाली यूज करेंगे ना, यानी प्रोब मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, पर हम डीएनए यूज करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, पहला पॉइंट कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा, यानी कि प्रोब क्या है, वीएनटीआर को भूल जाओ, प्रोब क्या है, प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड अपने आप में डीएनए, लेकिन साथ में या तो रेडियो एक्टिव मोलिक्यूल जुड़ा है, रेडियो एक्टिव भी होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था आपने, मोलिकुलर डायग्नोसिस से पढ़ा था कि प्रोब एक सिंगल स्टैंडर्ड आइदर डीएनए और आरएनए और रेडियोएक्टिव मोलिकुल से अटैच होता है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अगर यहाँ पर मान लीजिए ए टी जी सी है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा टी होगा ए होगा सी होगा जी होगा, तो ये वीएनटीआर है, ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेन नंबर रिपीट्स है, इसका VNTR प्रोब मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, आपने वो तो आपने हटा के फेंक दिया था, हमने कहा वो तो फेंक दिया था, ये सिंथेटिक है, ये रिसर्च लैब में मिलेगा, इसमें हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री में हमने रेडियो एक्टिविटी जोड़ी हुई है जिससे हम डीएनए को आइडेंटिफाई कर सकें, तो VNTR प्रोब, अब हमने यहाँ VNTR प्रोब छोड़ दिया तो VNTR प्रोब जुड़ जाएगी ना अपने कॉम्प्लीमेंट्री से, तो VNTR प्रोब मतलब सिंगल स्टैंडर्ड है, डीएनए भी हो सकता है आरएनए भी हो सकता है, पर हम यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए ही प्रोब यूज कर रहे होंगे, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड है, रेडियो एक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट्री टू VNTR, अब ये इससे क्या कर गई, पेयरिंग कर ली, इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, VNTR प्रोब को VNTR से जोड़कर हाइब्रिडाइज कर दिया, अब क्या करेंगे, अब जैसे हम एक्सरे लेते हैं, कभी एक्सरे होता हुआ देखा होगा आपने कि बॉडी के अंदर जो पिक्चर है उसे एक स्क्रीन पर एक्सरे फिल्म पर उतारते हैं, ऐसे हम इसको एक्सरे फिल्म पर देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी से तो हमें दिख जाएगा ना, रेडिएशन से तो हमें जैसे एक्सरे दिखते हैं, ऐसे अब रेडियो एक्टिव यानी कि पहले हमने हाइब्रिडाइज किया, रेडियो एक्टिव VNTR जोड़ा,
अब इसकी एक फिल्म बना लेंगे, अब हमें एक एक्सरे की जैसी फिल्म मिल जाएगी, उसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए। साथ अगर पीसीआर जोड़े तो साथ भी हो सकते हैं, लेकिन पीसीआर कंडीशनल है, जरूरत पड़ती है तो करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे करते हैं। आदि बात याद अच्छे से समझ में आ गया कि क्या क्या स्टेप है। पहला आइसोलेशन करना, फिर अब बुक निकाल देना एनसीईआरटी, अब बुक की जरूरत है। पहले करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर करते हैं उसका फ्रेगमेंट में कट, और कट करने से पहले हम डीएनए बढ़ा लेते हैं पीसीआर करके, अगर हमारे पास कम है एम्प्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम जेल कर लेते हैं, फिर हम जेल से सेपरेट होने के बाद नाइट्रोसेलुलोज या नाइलोन के मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग कहलाकर, फिर हम उसको डीनेचुरेशन कर देते हैं, उसे भी जोड़ेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। एल्काली से करते हैं, यानी डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर दोनों फ्रेगमेंट दोनों धागों को अलग कर देना, दोनों को न्यूक्लियोटाइड चेन को अलग कर देना ही डीनेचुरेशन कहलाता है, एल्काली से कर लिया। उसके बाद वीएनटीआर प्रोब का इस्तेमाल कर लिया, वीएनटीआर प्रोब मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड, इट मे बी डीएनए और मे बी आरएनए, बट इन केस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वी यूज द डीएनए प्रोब। दसवीं बार बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव है और कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तीन शर्त है प्रोब की, कॉम्प्लीमेंट्री होता है वीएनटीआर में, रेडियो एक्टिव सबस्टांस जुड़ा तो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन के बाद यानी वीएनटीआर प्रोब के जोड़ने के बाद ऑटो रेडियोग्राफी करके हमने पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। अब आप यहाँ पे एनसीईआरटी निकाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों जी, और एनसीईआरटी का पेज नंबर निकाल लीजिए आप 127। अब एडिशन आते रहते नए नए, उसमें पता नहीं चलता पहले कैसे बुक होती है, हमने कहा बहुत पुरानी बुक है, पाके बस पाके ये वाली फिगर निकाल दीजिए, ये वाली फिगर दिख गई कहीं तो दिखेगी, ये फिगर निकाल लीजिए। अब जहां जहां हम कह रहे हैं वहां साथ साथ देखिए, वहां साथ साथ देखिए, और वहां से पहले एक बार यहां देख लीजिए, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम साथ किसी का, ये है जो क्राइम सीन से मिला उसका क्रोमोसोम नंबर 7 है। तो भाई एक सेल में आप जानते हो हमारे 23 पेयर है, हर सेल में क्रोमोसोम 23 पेयर है, बस जर्म सेल हाइब्रिड होती है। तो अगर हम आप और हम अपने अपने सेल की बात करें तो एक सेल ध्यान देखना, एक सेल में यानी कि हमारे पास 23 पेयर में हर पेयर में एक पैटर्नल एक मैटरनल है, एक साथ हो पापा से मिला हुआ तो एक मम्मी से मिला हो, याद आ गया। फिर दोबारा समझ लीजिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वक्त आपको डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पता होना चाहिए, आपने का पता है पॉलीमॉर्फिज्म क्या, हमें तो आज ही पता लगे गुरु जी, हम तो ये सोच रहे थे कि म्यूटेशन से चेंज आते हैं, म्यूटेशन तो एक वे है एक तरीका है डीएनए में चेंज आने का, और जो चेंज आ गया है वो पॉलीमॉर्फिज्म है। चाटा मारना म्यूटेशन है, और चाटे से जो उंगलियां छप गई है का लाल हो गया है वो पॉलीमॉर्फिज्म है, और डीएनए में हम पढ़ रहे हैं तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। ये पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन से होता है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म का जो मेन रीजन है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशंस, और ये म्यूटेशंस दो जगह हो सकती है। हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स है, बहुत बार से पढ़ा है, एक तो जर्म सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एग या स्पर्म बनाते हैं, गैमेट बनाती हैं, बाकी सारी सेल्स सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो भाई अगर सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन आएगी, अगर हमारी सोमेटिक सेल्स में म्यूटेशन आएगी, एक्सरे से आए चाहे यूवी से आए चाहे कैसे भी आए, वो हमारे साथ ही चिता में खत्म हो जाएगी, अगली जनरेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जर्म सेल में आती है। अगर किसी का लोअर हिस्से का हमने एक्सरे कराया और स्पर्म मदर सेल में या एग मदर सेल में चेंज आ गया, जर्म सेल में अगर म्यूटेशन आ गई तो वो अगली जनरेशन में जा सकती है थ्रू द गैमेट, यानी कि अगर जिस सेल में म्यूटेशन आई वही एग या वही स्पर्म जायगोट बना दे तो अगली जनरेशन में चली गई। तो दो तरह की म्यूटेशन हो गई, सोमैटिक म्यूटेशन, जर्मिनल म्यूटेशन। इनहेरिटेबल कौन सी हुई? जर्मिनल म्यूटेशन, ये इनहेरिटेबल या आगे जाती है और थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाती है। तो हर किसी के अंदर
एक हर पेयर में एक पैटर्नल है एक मैटर्नल है एक साथ। अब इसके अंदर मान लीजिए ये बैंड दिख रहे हैं, आपने कहा बैंड क्या है, हमने कहा ये बैंड है नंबर ऑफ, ये जो बैंड दिख रहे हैं ना इसके अंदर रिपीट के नंबर है, इसमें रिपीट के नंबर है। आपने कैसे सर, हमने ध्यान से देखो बुक के अंदर, अब देखो राइट हैंड साइड पे हमारी बुक में, हो सकता है आपकी बुक में ये फिगर लेफ्ट हैंड साइड पर, इसमें दिखा रखा है ए और बी इंडिविजुअल, यहां देखते हैं ना हमारे साथ डीएनए फ्रॉम ए इंडिविजुअल डीएनए फ्रॉम बी इंडिविजुअल, ये ए का है ये डी का है, ये सॉरी ए का है ये बी का है, सीधा डी आ रहा है, ये ए का डीएनए है ये बी का डीएनए, इन्होंने एक तो सातवा क्रोमोसोम दिखा दिया, एक दूसरा एक सोलहवा, इसका भी सातवा इसका भी दूसरा इसका भी सोलहवा, होते तो अगर हम ह्यूमन की बात करें 23 पेयर होंगे। तो आपने एक बात बताइए, अगर आपका और हमारा सातवें क्रोमोसोम का जो VNTR है सेम हो, यानी चार चार बेस पेयर आपके अंदर, यानी जो रिपीट हो रहा है ना बार बार पोर्शन रिपीट हो रहा है उसमें चार बेस पेयर है, वही आपके हैं वही मेरे हैं, आपके 10 बार रिपीट हो रहा है मेरे भी 10 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आप और हम एक हो गए। हमने कहा नहीं, 23 क्रोमोसोम है 23 पेयर है, हमें प्रॉपर मैचिंग करने के लिए कम से कम 15 से 20 क्रोमोसोम को स्टडी करना पड़ता है, यानी 15 से 20 को स्टडी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जी हम एक क्रोमोसोम को देख के कह देंगे कि जी ये डुप्लीकेट ये उसने मर्डर किया है जी, इसलिए आप तीन दिखाए गए हैं रेंडमली कोई से भी। तो यह देखिए पैटर्नल फिर नीचे मैटर्नल, सातवें का पैटर्नल सातवें का मैटर्नल, ऊपर वाला पैटर्नल पीले में देखिए नीचे वाला मैटर्नल, नीले में देखिए ऊपर पैटर्नल नीचे मैटर्नल, ऐसी राइट में बी साइड है, या सातवें में देखिए पैटर्नल में गिनिए 1 2 3 जो पिंक कलर के दिख रहे हैं तीन रिपीट्स हैं, और इसी ए इंडिविजुअल के अंदर सातवां क्रोमोसोम जो है जो से अपनी मम्मी से मिला उसमें कितने हैं 1 2 3 4 है। अगर कैमरे से देखेगा इसलिए आप उसको निकाल के देखो, उधर बी इंडिविजुअल में देखिए बी इंडिविजुअल में सेम रिपीट यहां पर 11 बार है और उसका मैटर्नल में 9 बार रिपीट है, गिन लेना 9 खाने हो गए। अब ए इंडिविजुअल के जो पीले रंग के देखो दूसरा क्रोमोसोम देखो, दूसरे क्रोमोसोम में भी तो 2 क्रोमोसोम हो गए ना दूसरे नंबर के, पापा के मम्मी का, पैटर्नल में कितने दिख रहे हैं 8 गिन लेना 8, मैटर्नल में कितने दिख रहे हैं 7, उधर बी में पैटर्नल में 8 और मैटर्नल में 7, यहां तो एक से हो रहे हैं। 16वां क्रोमोसोम देखिए ए इंडिविजुअल का, पैटर्नल वाले में 5 मैटर्नल वाले में 10, हमने पहले गिन के देखे हुए, और बी इंडिविजुअल का 16 में देखिए ऊपर पैटर्नल में 5 और मैटर्नल में 2। अब हमने जब उनका जेनेटोफोरेसिस करा, मैटोसेलुलोज में ट्रांसफर करा, सदन ब्लोटिंग करा, VNTR प्रोब जोड़ी, ऑटो रेडियोग्राफी करी, तो पिक्चर हमें ये मिली, देखो ये रही पिक्चर, ये मिल गई, ये भी क्रोमोसोम सातवां दूसरा 16वां, ध्यान से देखना, अभी इसे भूल जाओ जो साइड में, यहाँ नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 कितने रिपीट है, यानी कि लिखा है नंबर ऑफ सॉर्ट टेंडम रिपीट्स कितने देर दूर दूर का रिपीट होगा। तो यहाँ देखिए सातवें में देखिए इसमें 3 रिपीट्स थे पैटर्नल में, ए इंडिविजुअल के पैटर्नल में 3 रिपीट्स थे, ए इंडिविजुअल के अंदर रिपीट्स कितने थे 3 थे, तो 3 पे दिखा रखा है ना ये 3, मैटर्नल में 4 थे तो मैटर्नल में 4 थे, देखो आ गया ना ए में, एक 3 पे दिखा दिया एक 4 पे दिखा दिया, बी में कहा था 1 9 में, 1 में 11 थे 1 में 9 थे, तो देखो बी में 1 9 पे है 1 11 पे है, और प्रिंटिंग वहां के नीचे हो रहा है वो अलग हो गया। फिर आपको कुछ समझ आ रहा होगा ए इंडिविजुअल में, जरा दूसरे में देखिए दूसरे क्रोमोसोम का, ये रहा दूसरा क्रोमोसोम, ए में देखिए पैटर्नल में 8 थे तो 8 के आगे होगा एक, ये रहा 8 के आगे, मैटर्नल में 7 थे तो एक 7 के आगे बैंड बन रहा होगा, उधर बी में देखिए बी में दूसरे क्रोमोसोम में देखिए पैटर्नल में देखिए ऊपर वाले में 8 रिपीट्स थे तो 8 के आगे बन रहा है बी में, मैटर्नल वाले में 7 थे तो एक 7 के आगे बन रहा, थोड़ा नीचे खिसका दिया उन्होंने 6 से भी, वो थोड़ा मिसप्रिंट है। 16वें क्रोमोसोम में देखिए ए इंडिविजुअल का देखिए जरा, ए इंडिविजुअल में 16वें क्रोमोसोम में नीले वाले में पैटर्नल वाले में ऊपर देखिए 5 रिपीट है 5 का रहा होगा ये रहा 5, मैटर्नल वाले में 16 दिखा रखे हैं, 16 तो यहाँ खुद नहीं है,
पर इन्हें 16 दिखाने चाहिए थे, नहीं 16 तो क्रोमोसोम है, 10 है, 10 रिपीट, तो 10 के आगे जा रहा, देखो ऑलमोस्ट 10 के आगे। बी वाले में, पैटर्नल वाले में 5 थे, तो बी वाले 5 के आगे, देखो बी इंडिविजुअल के अंदर 16वें क्रोमोसोम के अंदर मैटर्नल वाले के अंदर 2 रिपीट्स हैं, 2 के आगे आ रहा, देखो तो ये मिल गया हमें, ये सस्पेक्ट थे, उन्होंने आरोप लगाया था ये ए और बी में से कोई है, हमने ठीक है इनका हमने बैंड बना दिए, ए के भी बैंड बना लिए, बी के भी बैंड बना लिए, अब जो क्राइम से मिला था हमें डीएनए उसके भी बैंड बना लिए, ये रहा हमारा क्राइम सीन वाला, ये रहा क्राइम सीन, देखो लिखा है ना डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन। अब हमने मैच करा, देखो अब मैच करा, आप ध्यान से देखिए क्राइम सीन वाले में और बी को ध्यान से देखो, वही वही आ रहे हैं ना बैंड, ऑलमोस्ट नीले नीले देखो, पीले पीले देखो, पीले पीले देखो, पिंक पिंक देखो, पिंक पिंक देखो, आपने तो बिल्कुल मैच कर रहा है सर। तो हमने कहा जो मैं क्राइम सीन से मिला वो बी से मैच कर रहा है, तो बी क्रिमिनल हो गया, ए से नहीं कर रहा, देखो नीला यहाँ पे है ही नहीं, पिंक यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर इसके सामने येल्लो है ही नहीं, ऊपर नीचे है, यहाँ पर नीला है, यहाँ पर नीला है ही नहीं, तो आप साफ देख रहे होंगे कि ये वाला क्राइम सीन वाला बी से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर आप इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे जोड़ के देखोगे ना वैसे, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि सच में मैच कर रहा है, देखो वो यही है, अगर देख पा रहे करके देख लेना। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि किसका डीएनए मैच कर रहा है, ये होल प्रोसेस कहलाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग्स को हमने कोशिश करी जल्दबाजी में तो करिए, थोड़ी सी जल्दी है हमें भी है आपको भी है, इस समय हमने दवाई खा ली है, बुखार है इस समय तकरीबन 101, ये रियलिटी बता रहे हैं, आग चढ़ी हुई है क्योंकि सिट्राजिन से ना नशा रहता है, फिर भी हमें टॉपिक तो कराना ही था आज। हमें बेसिक पॉइंट क्या रखने कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी है ये फोरेंसिक एप्लीकेशंस में हम क्राइम को सोल्व करने में इस्तेमाल करते हैं, हम पैटर्निटी डिस्प्यूट को सोल्व करने में इस्तेमाल करते हैं कि बच्चा किसका है किसका नहीं, हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को स्टडी करने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम और आप ये जो टेक्नोलॉजी बार बार समझ रहे हैं और समझा रहे हैं, ये मिस्टर एलेक्स जेफ्री ने 1984 में दी, और इसका पूरा जो एम्फेसिस है ना, इसका जो पूरा प्रिंसिपल है बेसिस है, उस बात पे है कि जो 0.1% हमारा डिफरेंट है दूसरे का डी एन ए, 0.1% जिसमें बेस बैठ करके हमने भी बताया था कि 3×10^6 बेस पे, वैसे हमारा होता है 3×10^9 बेस पे, कि 99.9% डीएनए दुनिया में सभी का सेम है, तो सभी के सेम को देखने से तो कोई फायदा नहीं, वो तो सभी का सेम है, वो तो बल्क है, हमें उसके बीच में जो 0.1% है वो ढूंढना है। 0.1% आपने कहा इंट्रोन में होता है, नॉन कोडिंग में होता है, अरे नॉन कोडिंग वाला पोर्शन क्रोमोसोम में कहाँ पर होता है, आपने कहा टेलोमियर में होता है, यानी क्रोमोसोम के एंड में होता है, सेंट्रोमियर में होता है, और ये हेटरोक्रोमेटिन एरिया में होता है। हम इनको अलग कर लेते हैं, सेपरेट भी कर लेते हैं, आपको डेंसिटी वो सेंट्रीफ्यूगेशन भी आता है, सेपरेट कर लेना, हैवी चीज नीचे बिठाना, लाइट चीज ऊपर बिठाना, तो जो ज़्यादा है वो तो जीनोमिक डीएनए वो तो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर बैठ जाएगा। फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं कि जब म्यूटेशंस होती है तो चेंज आता है, उस चेंज को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, और वो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि आपका रिपीटेटिव डीएनए होता है 0.1%, यानी ऐसा डीएनए जिसमें कोई सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा हो, वो रिपीटेटिव डीएनए, जो पोर्शन रिपीट हो रहा है उसे रिपीट कह रहे हैं, वो रिपीट आप में अलग है हम में अलग है, इसलिए इसको वेरिएबल नंबर ऑफ टर्नल रिपीट्स कहते हैं, इसी रिपीटेटिव डीएनए को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। तो हमने कहा मेथोडोलॉजी है कि पहले आपको डीएनए का सोर्स मिले, आपने मिल गया, ब्लड मिल सकता है क्राइम सीन से, हेयर फॉलिकल या हेयर बल्ब मिल सकते हैं, हेयर रूट कह सकते हैं, आपको सीमन मिल सकता है, वेजिनल फ्लूड मिल सकता है, स्किन मिल सकती है, कहीं से भी आपने डीएनए ले लिया, सलाइवा भी हो सकता है, सलाइवा में भी चीक सेल्स होती है, पर आरबीसी हेल्प नहीं करेगी, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प नहीं करेगी, उनमें न्यूक्लियस लैक होगा। आइसोलेशन के बाद आपने फिर अगर डीएनए की अमाउंट कम मिली है तो आप उसे एम्प्लीफाई कर लेंगे बाय यूजिंग द पीसीआर, फिर आप रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करके उसके फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे, फिर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके सेपरेट कर लेंगे, फिर आप सदर प्रोटीन कर लेंगे उसे माइक्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन पर, नायलॉन की मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेंगे, फिर आप डीनेचुरेशन करके उसको सिंगल स्टैमिना बना लेंगे,
फिर आप आर्टिफिशियली अवेलेबल VMTR प्रो को जोड़ देंगे। VMTR प्रो मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट स्टैंड, सिंगल स्टैंडर्ड DNA फ्रेगमेंट, रेडियोएक्टिव फ्रेगमेंट, रेडियोएक्टिविटी अटैच होगी उसके साथ और वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फिर आप उसे VMTR से अलाउ कर देंगे नाइट्रोसेल उसमें जो बनेंगे हाइब्रिडाइज के साथ। हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी के बाद हमारे पास पिक्चर आ जाएंगे। फिर हम क्राइम सीन से मिलने वाले DNA और जो सस्पेक्ट थे जिन पर डाउट था उनके जो पिक्चर आई हमें ऑटो रेडियोग्राफी के बाद इनको रख के मैच कर लेंगे। यहाँ तो दो ही ए और बी दिखाया, हो सकता है पुलिस के आगे 10 आदमी पर शक जताया जाता हो, डाउट बताया जाता है तो मुझे इन पर डाउट है तो 10 के 10 से मैच कर लेंगे, जिससे मैच हो जाएगा उसे पुलिस अरेस्ट कर लेंगे। तो कितना अच्छा सॉल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों रिटर्न वर्क भी हम लेंगे आपका, टेंशन मत करिए, रिटर्न वर्क भी मिलेगा आपको, रिटर्न नोट्स भी मिलेंगे। लेकिन ये पढ़ने के बाद, ये क्लास लेने के बाद आप NCERT पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आप कहेंगे आपने एक एक लाइन NCERT की बोल दी है। तो अभी आज 2 बार क्लास है, पहले 2 बार कैसे लेंगे, पहले लेक्चर अटेंड कर लिया आपने, आप रिहा कर चुके हैं, हमने अब NCERT पर रीडिंग मारो, फिर कुछ और पढ़ लो, कुछ और पढ़ लो आज ही, कुछ और पढ़ लो, फिर दोबारा क्लास अटेंड कर लो, ये लेक्चर अटेंड कर लो, फिर NCERT पढ़ लो, हो गया दो बार, आज का काम खत्म हो गया। कल क्या करोगे, जो तुम्हें रिटर्न वर्क दे रहे हैं, रिटर्न मटेरियल दे रहे हैं, कल उसे पढ़ोगे, मास्टर हो गए आपने फिंगरप्रिंटिंग के माशाल्लाह। तो बच्चों मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक नमस्कार, खुश रहिए।